हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एस ब्लॉग्स में। आज हम जानेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या डीजल लोकोमोटिव। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स कंपेयर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले इन दोनों लोकोमोटिव की काम की बात करें तो इन दोनों लोकोमोटिव का एक ही काम होता है, जो कि ट्रैक्शन मोटर को चलाने का काम होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डायरेक्ट ओएचई से सप्लाई लेकर ट्रैक्शन मोटर को चलाता है और डीजल लोकोमोटिव फ्यूल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर ट्रैक्शन मोटर को चलाता है। इन दोनों लोकोमोटिव की वेट की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कंपेयर में ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव में 6000 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में फ्यूल टैंक नहीं होता है। स्पीड की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव का स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कंपेयर में कम होता है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव का वजन ज़्यादा होने के कारण ट्रैक और व्हील के बीच फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है और फ्रिक्शन फोर्स स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण इसका स्पीड कम होता है। डीजल लोकोमोटिव नॉइस और पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कम नॉइस और इको फ्रेंडली होते हैं। इन दोनों लोकोमोटिव की कीमत की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव की कीमत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कंपेयर में ज़्यादा महंगा होता है और डीजल लोकोमोटिव की मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल है। आपको कौन सा लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल और अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।